हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बहुत सारे क्रिएटर के मन में ये चीज़ आपको बहुत सारे लोग ढूंढ रहे होंगे कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में काइन मास्टर को क्यों नहीं चला पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं कंप्यूटर में चलाना चाहते हैं काइन मास्टर एप्लीकेशन को, जो कि दोस्तों आपको पता है कि जो एक नया क्रिएटर आता है तो उसको वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जो है काइन मास्टर लगता है। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप काइन मास्टर एप्लीकेशन को पीसी में कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा कैसे यूज कर सकते हैं, जो कि सेम जो अपने मोबाइल में आप यूज करते हैं वैसे ही आप अपने पीसी में भी अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे। तो कैसे, चलिए हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो उससे पहले क्या करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले इस चैनल से आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी तक तो हमने अपने मोबाइल में ही किसी एप्लीकेशन को यूज करके और वीडियो को एडिटिंग करते थे, ठीक है। दोस्तों, अगर आपके पास पीसी है या फिर जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि फिल्मोरा या फिर मावी, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि हम उसमें वीडियो एडिटिंग के लिए अगर उसे डाउनलोड भी करते हैं तो वहां पर हमें वाटरमार्क देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, काइन मास्टर दोस्तों एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपको पीसी में यूज करें या फिर आप अपने मोबाइल में यूज करें उसमें आपको वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मोबाइल में अपने काइन मास्टर को बिना वाटरमार्क डाउनलोड किए करना चाहते हैं तो दोस्तों उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले सिंपल से आप गूगल में आना है और एक कीवर्ड को सर्च करना है, जिसमें यहाँ पर मैंने यहाँ पर कीवर्ड को सर्च कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है ब्लू स्टेक्स, यहाँ पर लिखना है ब्लू स्टेक्स। लिखने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर पहला वेबसाइट आपको दिखलाई दे रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि आप समझेंगे कि यह गेमिंग चीज है। लेकिन दोस्तों यह गेमिंग नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर दिखलाई दे रहा होगा ब्लू स्टॉक 10, यानी कि आपको इसको डाउनलोड कर लेना है अपने पीसी में, जो कि मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। चलिए मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डाउनलोड किया है। तो अब मैं सिंपली से इसको ओपन कर लूंगा। इसे दोस्तों मैंने इस तरह से ओपन किया है और ओपन करने के बाद इसका प्रोसेस क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा, इसे ओपन होने दीजिए। यहाँ पर ओपन हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर ओपन होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन दिया गया है आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका जो काइन मास्टर जो है यहाँ पर जो भी एडिटिंग के लिए आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं काइन मास्टर को सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर काइन मास्टर जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च किया तो देखिए यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर बैक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने अपने काइन मास्टर को इस तरह से सर्च कर दिया है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर काइन मास्टर को सर्च किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक से हमारा काइन मास्टर आ गया है। अब यहाँ पर प्ले एन वीडियो इंस्टॉल पर इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का सर्च होगा और हमारा जो काइन मास्टर एप्लीकेशन जो है कुछ इस प्रकार से इंस्टॉल हो गया है। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंस्टॉल होकर के हमारा जो मोबाइल में काइन मास्टर यूज होता है सेम वैसे ही आप आसान तरीके से दोस्तों आप अपने इस पीसी में भी अपने काइन मास्टर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप इसे बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर साइन इन ट्राई का ऑप्शन आएगा तो आपको इसको कैंसिल कर देना है। और यहाँ पर देखिए सिंपल से दोस्तों जो मोबाइल में आपने यूज करते हैं उसी तरह से आप अपने काइन मास्टर को बिना वाटरमार्क वाला आप आसान तरीके से अपने पीसी में भी यूज कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्रिएट ए न्यू पर क्लिक करके और जो भी आपका ड्यूरेशन है उस पर आप सिलेक्ट करके, जैसे यहाँ पर 9/16 है तो आपको क्रिएट करके और यहाँ पर अलाउ पर जैसे आपको मोबाइल में यूज होता है वैसे ही आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर एड देखने को मिलेगा तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये फ्री वाला एप्लीकेशन है तो इसमें तो आपको एड देखने को ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसको स्किप कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर स्किप करने के लिए ऑप्शन आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो है स्किप कर लिया है। स्किप करने के बाद दोस्तों जो भी आपने सेटअप में यहाँ पर रखे होंगे तो यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे कि हमें वीडियो पर क्लिक करके जो भी यहाँ पर वीडियोज है
यहाँ पर अपने वीडियोज में जो भी आपने रखा होगा एनिमेशन वो सभी चीज यहाँ पर ला सकते हैं जो कि अपने मोबाइल में आप यूज करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इफेक्ट है, इफेक्ट को भी आप डाउनलोड करके इसमें अच्छे तरीके से वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस तरह से आप भी अगर वीडियो एडिटिंग अच्छे से करना चाहते हैं तो आप जिस तरह से मोबाइल में करते होंगे उसी तरह से अपने पीसी स्क्रीन में भी आप कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमको जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।